हेलो गाइस वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा दिस इज मानवी और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग गाइस एज यू नो की आर बी असिस्टेंट प्री की शिफ्ट वन ओवर हो चुकी है तो मैं आपसे अपना सेल्फ गिव एनालिसिस शेयर कर रही हूँ रीजनिंग का कि पेपर कैसा था लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन पेपर में बन रहे थे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज मैं आपको बता दूँ ये पेपर थर्टी फाइव पूरे रीजनिंग में आए थे जो कि बहुत ही ईजी लेवल के थे अगर आप सही स्पीड मेंटेन करते हुए एग्जाम को स्टार्ट करते हो और अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो क्वेश्चन आपको बताती हूँ किस किस क्या क्या क्वेश्चन आए थे पेपर uh, में इनक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे बहुत ही ईजी थे वन लाइनर क्वेश्चन थे केवल आप सिंपली उसको देख टिक कर, कर सकते हो और पेपर में जो है वो स्लॉग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस शिफ्ट में शिफ्ट वन की बात कर रही हूँ मैं तो यहाँ पर स्लॉग से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे इसमें uh, मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लड रेशन में एक क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग था उसमें आ, जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो जो बी था बी आया था उसका जेंडर क्या था वो मेल था फीमेल था तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरे हिसाब से वो नहीं हो पा रहा था उसके अलावा आ, पजल में सर्कुलर बेस पजल आई थी इसमें एट पर्सन थे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आठ लोग थे जो कि एक सर्कल में बैठे थे इनसाइड फेस कर रहे थे ये एक पजल आई थी उसके अलावा एक पजल आई थी जो कि लीनियर में थे नॉर्थ फेस कर रहे थे सारे पर्सनस Uh, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आए थे इसमें सेवन परसेंट थे जो कि एक बिल्डिंग में सात लोग बैठे हुए थे इस तरीके से तीन पजल लाइन थी पेपर में एक ये आ गया था स्लॉग से क्वेश्चन जो थे वो नहीं थे इन एकवलिटी क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट पूछ क्वेश्चन थे और जो अल्फ़ाबेट uh, सीरीज़ आती है उस सीरीज़ में क्वेश्चन हमसे वॉवल और कॉन्सोनेंट के पूछे गए थे कि हाउ मैनी वॉवल जो थे वो फॉलो कर रहे थे कॉन्सोनेंट को इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अलावा जो नंबर का जो एक सेट आते उसमें नंबर सेट था उसमें वर्ड का नहीं था कुछ नंबर्स थे उनसे रिलेटेड फाइव क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अलावा एक जो वर्ड आता है हमारे पास जिसका हमें बताना होता है इंग्लिश और हिंदी में वो वर्ड था रिमेंडर उसका बताने उसके हमें क्वेश्चंस बताने थे उसके बताने थे कि कितने पेयर बन रहे थे आ, ये एक ये पूछा गया था उसके अलावा जो एक मीनिंगफुल वर्ड पूछा जाता है उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड थे वो मैंने दो मेरे दो बन गए थे एक बना था उसमें से अर्न और एक बन गया था नियर तो दो वर्ड बनने गए थे इसलिए मैंने वहाँ पर एक्स ऑप्शन चूज किया था क्योंकि ये ये बोला गया था कि अगर वन से ज्यादा वर्ड बन रहे हो मीनिंगफुल वर्ड तो आपको एक्स चूज करना था तो इसके अलावा मैंने जो थे क्वेश्चन थर्टी फोर अटैम्प्ट किए हैं पेपर में क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे जो था वो रॉन्ग लग रहा था ब्लड रिलेशन में सेंटर क्लियर नहीं हो रहा था उसका आप लोग का इस अपने कमेंट्स सेक्शन बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं बाकी मैं आप लोगों को आगे थोड़ी देर में या शाम तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे जैसे मुझे ध्यान आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे आने वाले शिफ्ट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी आगे आने वाले शिफ्ट के लिए या फिर जिनका पेपर कल है उनके लिए कि आप लोग रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं इजीली आप लोग बस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए पढ़िए और अपना सॉल्व करना शुरू शुरू करके उसके क्वेश्चन में टिक कर दीजिए सिंपल था कोई भी ऐसा टफ़ क्वेश्चन नहीं आया था रीजनिंग में तो गाइस कल के लिए और आगे आने वाले शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स डू योर बेस्ट और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हम आज की शिफ्ट का सॉल्व करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे